दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। मानसून की पहर दोपहर में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मानसून के मौसम में पानी की बूंदे हमें भीगने का आमंत्रण दे रही है। गिरते पानी में बाहर घूमने या सैर करने का मजा कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ में ऐसी अनेक जगह है जहाँ की सुंदरता बरसते पानी में और निखर जाती है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सौंदर्य भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि देश का ये हृदय स्थल कई किले, महल, पहाड़ और झीलों के किनारे देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। बारिश में तो छत्तीसगढ़ मानो पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन जाता है। तो चलिए, आज हम आपको मानसून की पहर दोपहर में छत्तीसगढ़ की वादियों का वर्चुअल टूर करवाते हैं। बारिश में खूबसूरत झील, झरने और पहाड़ों का अद्भुत सौंदर्य, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को व्यक्त करती तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम ने प्रकृति में लाया निखार। प्रदेश के ये प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। जितना आप प्रकृति को प्रेम देंगे, प्रकृति भी आपको उतना ही प्रेम देगी। ये तस्वीरें इस बात को चरितार्थ करती हैं। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं इस बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों की सैर पर। छत्तीसगढ़ राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर के साथ ही गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 14 वर्षों के कठिन वनवास काल में श्री राम ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था, जिसे लेकर राम वनगमन पथ के तहत राज्य सरकार प्रकृति को सहेजने का प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के चलते बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ के पहाड़, झरनों और नदियों को बारिश की ये बूंदे चार चांद लगा देती है। तो चलिए, इस खुशनुमा मौसम में वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। बारिश के मौसम में चित्रकूट जलप्रपात को देखकर कुछ यही लाइनें जहन में आती है, जहां झरने की कलकल की आवाज सुनकर मन शांत हो जाता है। चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई के कारण इसे छत्तीसगढ़ का नाइग्रा फॉल भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात देश का सबसे चौड़ा झरना है। ये जलप्रपात जगदलपुर जिले से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। चारों ओर घना जंगल और जंगल के बीच में ये झरना मानसून के समय धरती के स्वर्ग जैसा लगता है। मानसून का मौसम आते ही चित्रकूट जलप्रपात में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ हर साल मानसून पर सैकड़ों की संख्या में दूसरे राज्यों से भी सैलानी पहुँचते हैं। कहा जाता है कि चित्रकूट में श्री राम के दुर्लभ प्रमाण है। यहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे। यहीं से वो राम की चरण पादुका लेकर लौटे। यहाँ श्री राम 11.5 साल रहे। तो अब आपको ले चलते हैं गंगरेल बांध। मानसून के मौसम में हजारों सैलानी हर साल गंगरेल बांध घूमने जाते हैं और बांध से बहते पानी का आनंद उठाते हैं। गंगरेल बांध में लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या को देखते हुए इसके किनारे को गोवा की तर्ज पर डेवलप किया गया है। यहाँ आते ही रेल पर लगी छतरियाँ, पानी में मोटर बोट, वाटर स्पोर्ट्स आपको गोवा में होने का एहसास कराएगा। इसके साथ ही यहाँ गोवा की तर्ज पर कई सारे रिसोर्ट भी बनाए गए हैं, इसलिए इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। अब आपको ले चलते हैं जतमई घटारानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 77 किलोमीटर दूर गरियाबंद रोड पर स्थित जतमई घटारानी एक ऐसा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जहां जाते ही आपको प्रकृति के जादू का एहसास होने लगेगा। यहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़, पहाड़ से गिरते प्राकृतिक झरने और चारों तरफ हरियाली नजर आती है।
यहाँ पहुँचते ही आपको ऐसा लगेगा कि शहर की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर आप जन्नत में पहुँच चुके हैं। हर साल यहाँ पर मानसून के समय हजारों सैलानी पहुँचते हैं। झरने के अलावा जतमई माता का मंदिर यहाँ आकर्षण का केंद्र है। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों के बीच बसा मंदिर बहुत ही आकर्षक लगता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो तीरथगढ़ जलप्रपात से अच्छी जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर घाटी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिर रहे कई झरनों का समूह है। जगदलपुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये झरनों का समूह बारिश में घूमने के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप नेचर लवर हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है चर्रे मर्रे जलप्रपात। यहाँ चारों ओर हरियाली है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ सुकून भरा दिन बिताना चाहते हैं, तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। नारायणपुर के अंतागढ़ आमा बेड़ा वनमार्ग पर बंजारिन घाटी में स्थित चर्रे मर्रे एक शानदार 50 फीट ऊंचा झरना है। ये जोगी नदी से जुड़ा हुआ एक ठंडा और तरोताजा कर देने वाला पर्यटन स्थल है। अब आपको ले चलते हैं चित्रधारा जलप्रपात। बस्तर में झरनों की एक श्रृंखला है। झरने का एक आकर्षण का केंद्र पास में ही स्थित एक शिव मंदिर है। ये झरना 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है और शांत और सुंदर होने के कारण छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय स्थल भी है। बिल्का पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल है। पहाड़ में एक कुंड स्थित है, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत से पानी का उद्गम हो रहा है। ये पहाड़ बारिश के मौसम में शांत और हरा भरा नजर आता है, जिससे मन को काफी शांति मिलती है। इस पहाड़ का इतिहास राम वनगमन पथ से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में इस पर्यटन स्थल को सफारी के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ग्राम कुल्हाड़ी घाट और हीरा खदान पहली खंड के बीचों बीच प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देवधारा जलाशय है। देवधारा दो पहाड़ियों के बीच इंद्रावन नदी पर है, जहां सालों भर पानी भरा रहता है। बारिश के दिनों में 60 से 70 फुट ऊंचाई से पानी जब चट्टान पर गिरता है, तो प्राकृतिक छटा देखने लायक रहती है। देवधारा को देवस्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ दशहरा और नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ पक्षियों की 12 से भी ज्यादा प्रजातियाँ हैं, जिसकी गूंज देवधारा को और भी खूबसूरत बना देती है। तो छत्तीसगढ़ की अलग अलग तस्वीरें दिखाई, जहां बारिश के मौसम में यहां पर घूमना एक खुशनुमा मौसम और साथ ही मानव शांति के लिए और मानसिक शांति के लिए भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। चलिए इसी विषय पर और भी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अर्जुन पांडे दंतेवाड़ा से जुड़ चुके हैं। अर्जुन, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पर्यटन को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, और इसी के चलते अगर बारिश के दिनों की बात की जाए तो बारिश के मौसम में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में? जी, जिस तरह से आपने बताया कि चित्रकूट और तीरथगढ़ के बारे में, बिल्कुल सही बताया आपने। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश के समय में और बारिश खत्म हो जाने के बाद में भी यहाँ की जो पहाड़ियां हैं और जो यहाँ के जलप्रपात हैं, कहीं ना कहीं उन जलप्रपातों पे जो है लोगों की भीड़ उमड़ जाती है देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस बार भी जो है बाढ़ ने भले जो है बहुत इन क्षेत्रों में समस्या खड़ी कर दी हो, लेकिन आपको बता दूं मैं कि इस बार भी जो है दर्शक इस तरह से उमड़े थे, और सुरक्षा के एहतियातन मैं बता दूं आपको कि जो है कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं, क्योंकि आजकल जो एक सेल्फी एक ट्रेंड चला हुआ है और उस समय में लोग अच्छा जो है सेल्फी लेने के लिए ऐसे जगहों पे खड़े हो जाते हैं जहां उनको खतरा भी हो जाता है। आपने जिस तरह से तीरथगढ़ का बताया, तीरथगढ़ वाकई में अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जो है
वाटरफॉल का वहां पे लोग नजारा लेते हैं और साल के 365 दिन वहां पे भीड़ लगी रहती है। अभी मैं जहां खड़ा हूं मैं आपको बता दूं कि ये दंतेवाड़ा का क्षेत्र है और माई दंतेश्वरी का स्थान भी है। यहां भी जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में लोग यहां पर दूर दूर से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी नवरात्र नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जब कोई माता जी की बात आती है तो लोगों को नवरात्र दिखाई देने लगता है कि नवरात्र के समय में यहाँ पे चहल पहल देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं छत्तीसगढ़ के जो ये क्षेत्र है और ये जो माई दंतेश्वरी का स्थान है जो पर्यटन के भी रूप में लोग यहाँ पे आते हैं, मैं बता दूं कि आसपास के क्षेत्र में बहुत चहल पहल है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ हमारे पीछे ही जो है माई दंतेश्वरी की चरण पादुका है, लोग यहाँ पे आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कहें कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल है जहाँ जिनको यानी आसपास के लोगों ने तो खोजा है लेकिन नक्सल के वजह से कहीं ना कहीं ये दबे हैं। हादावाड़ा जिसमें एक प्रमुख वाटरफॉल है, मैं आपको बता दूं कि बाहुबली में जो शॉट लिए गए थे वो हादावाड़ा से जाकर के शॉट लिए गए थे और कितने खूबसूरत हैं, हम उसे बाहुबली फिल्म में देखते भी हैं कि किस तरह से वो खूबसूरत है। झारा लावा करके जो है दंतेवाड़ा जिला में एक वाटरफॉल है, वो भी बहुत सुंदर है। वहां भी जाने के लिए अभी मार्ग तो नहीं बना है लेकिन कोशिशें जा रही हैं, जल्द लोगों के लिए उसे खोल दिया जाएगा। हांदावाड़ा की मैं जो बात कर रहा था, हांदावाड़ा भी ऐसा जो क्षेत्र है वहां भी अभी पूरी तरह से पहुंच मार्ग नहीं बन पाया है, लेकिन सरकार बहुत से जल्द ही जो है इन क्षेत्रों में सड़क बनाएगी जिससे सभी लोगों को वहां पे जाने और घूमने को मिलेगा। जी जी अर्जुन, अगर बात की जाए राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रही है? जी मैं बता दूं यहाँ पे जो पहले कलेक्टर थे, अभी कुछ दिन पहले जिनका स्थानांतरण हुआ है कोंडागांव जिले के लिए दीपक सोनी साहब, उन्होंने एक बहुत सकारात्मक यहाँ पे प्रयास किया हुआ था। और जो क्षेत्र में जो है पर्यटन को ही खाली बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जितने जो है यूट्यूबर थे उनको बुलाया गया था और उन सभी यूट्यूबरों को बुला करके उनकी जो है जो रिपोर्टर हैं, क्योंकि चूंकि ये नक्सल क्षेत्र है रिपोर्टर कहीं भी सहजता से पहुंच जाते हैं, आम पब्लिक वहां नहीं जा पाती है, उन दोनों के बीच में एक बैठक करवाई थी कि ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों को और कैसे निखारा जाए। मैं आपको बता दूं यही दंतेवाड़ा का क्षेत्र है जहाँ पे एक फरसपाल बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे जो है भगवान गणेश जी का कहा जाता है, परशुराम जी से युद्ध हुआ था और उनका वहां पे दांत टूटा था। मैं आपको बता दूं कि बहुत ऊंचाई पे करीब करीब 500-600 फुट ऊंचाई पे, उससे भी ज्यादा की ऊंचाई बताई जाती है वहां की, वहां पे जो है गणेश जी की जो है मूर्ति बनाई गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पे गणेश जी की मूर्ति बनाई गई थी उसको बताया जाता है कि नागवंशी यहाँ जो राजा थे, यानी जो 800वीं जो शताब्दी थी, जो 11वीं शताब्दी थी, उन समयों में उनका यहाँ पे राज चलता था। उस समय बताया गया था कि उनके द्वारा पे जो है यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को बनाया गया था। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की और बात अगर बस्तर की करें तो बस्तर के क्षेत्र में जो आदिवासी पुरखा थे उन्होंने गणेश जी को ऐसे ऐसे स्थान पर जो है मैं बताऊं आपको जो है विराजमान किया है कि आज देखने के बाद लोग अपने दांतों तले उंगली काट लेते हैं कि ऐसा भी उस समय में किस तरह से पॉसिबल हुआ होगा, किस तरह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ढोलकल जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां उतनी ऊंचाई पे गणेश जी की उस समय प्रतिभा बनाना। और मैं बताऊं आपको कि आज के समय में जो अभी मौजूदा सरकार है उसने इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए बहुत काम किया है और वहां पे सुगम मार्ग जो सुरक्षित मार्ग है उसको वहां तक लोग पहुंच सके और सुंदरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, क्योंकि जो अंतिम छोर पड़ता है जहां पर दर्शन करने के लिए गणेश जी के जाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि पहाड़ियों को पकड़ करके खतरा बहुत है लेकिन फिर भी लोग वहां गणेश जी को जो है दर्शन करने जाते हैं। जी अर्जुन, अगर बात की जाए तो दंतेवाड़ा एक नक्सली क्षेत्र है और ऐसे में एक खूबसूरत क्षेत्र भी है, तो दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, ऐसे में पर्यटकों को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए राज्य सरकार और प्रशासन अपनी ओर से क्या कोशिश कर रही है? जी मैं आपको बता दूं अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में जो है जितने भी जिले आते हैं वो वाकई में प्रकृति से जो है भरपूर जिले हैं और उन क्षेत्रों में घूमने की भी जो है बहुत सारी जगह है। आपने जैसे कि आमावेड़ा की बात की थी, कांकेर जिले की बात की थी, मैं आपको बताऊं कि जो है एक इसी तरह का क्षेत्र जो है हमारे कोंडागांव जिले में केसकाल भी जो है वो टाटा मारी करके जो है एक केसकाल में भी क्षेत्र है, बहुत ऊंची पहाड़ियों पे जो है वहाँ पे बड़े सुंदर व्यू होते हैं लोगों को देखने के लिए। सरकार ने जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारगर उपाय जो है अब चलाना चालू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के अथक प्रयास से नक्सल यहाँ पे पीछा हुआ है। हालांकि कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी भी नक्सली ने ऐसे जो यहाँ पे दार्शनिक जो घूमने आते हैं उनको जो है कभी
परेशान किया हो, लेकिन अभी जो समन्वय बना हुआ है, जो शासन ने एक विश्वास दिलाया है और उसकी सही एक तस्वीर भी दिखती हुई नजर आ रही है। जो हांडावाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अधिक लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक और क्षेत्र यहाँ पे था, उस क्षेत्र को जो है मैं आपको बता दूं, जो आकाश नगर जिसके नाम से जानते हैं, NMDC चेली की पहाड़ियों में वो पड़ता है और बहुत ऊंचाई पे, यानी थोड़ा सा भी बारिश होने पे जो है वहां की स्थिति ये हो जाती है कि जो बादल है वो उस जो पहाड़ है वहां से टच करने लगते हैं। बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं, सुरक्षा के एहतियातन लोगों का वहां पे जाना अलाउ नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन ने बताया कि जो भी बाहर से आगंतु आएंगे और जो चाहेंगे कि हमको आकाश नगर घूमना है, उनके लिए जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनको आकाश नगर घुमाया जाएगा। ये जो बस्तर के क्षेत्र है, जिस तरह से प्रकृति का, जैसे आपने जिक्र किया था कि प्रकृति प्रेमियों के लिए, बिल्कुल जो प्रकृति प्रेमी है और जिनको प्रकृति से प्यार है, जिनको प्रकृति से लगाव है, क्योंकि जब प्रकृति की बात आती है तो आदिवासी सभ्यता का जो है ध्यान जरूर आता है, वो भी आपको मिलेगा। और प्रदेश सरकार ने जो यहाँ पर देवगुड़ियां बनाई हैं, उन देवगुड़ियों में जो छाया चित्र जो है बनाए हुए हैं, जो कल्चर था, और मैंने जैसे कि आपको अभी पहले भी बताया कि जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी पुरुखों ने जो गणेश जी की प्रतिमा का यहाँ पे कोने कोने में जो निर्माण किया है, भांसी भी उसमें से एक क्षेत्र है, उस पहाड़ में भी जो है गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। बारसूर के क्षेत्र में जाएंगे, वहां पे मामा भाजा करके जो है गणेश जी की वो बनाई है। गणेश चतुर्दशी का समय आ रहा है, जो भक्त जो है जिन्हें तीर्थ करने का शौक है और जिनको पर्यटन करने का शौक है, बिल्कुल वो बस्तर आए और जो गणेश जी की प्रतिमा है, जिसको बताया जाता है कि राजा वाणासुर ने बनवाया था, बिल्कुल उसके दर्शन करें। और प्रदेश सरकार अब जो भी व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पे इन क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ के कल्चर को देखने के लिए आ रहे हैं और पर्यटन के उस पर्पज से आ रहे हैं, बिल्कुल प्रदेश सरकार उनमें उनको मदद कर रही है। जी अर्जुन, अगर देखा जाए तो सरगुजा इलाके में एक स्थल है उल्टा पानी, जिसका प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में भी चर्चा होती है और इसने जो तमाम वैज्ञानिक है उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया है। तो ऐसे में उल्टा पानी के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, एक बड़ी बात है कि पहले हम लोग फेसबुक वगैरह और यूट्यूब के माध्यम से देखते थे कि उनमें बाहर के जगहों का दृश्य दिखाया जाता था कि बाहर में ऐसी जगह है और कि वहां पे पानी उल्टा चलता है, वहां ईश्वरी प्रकोप है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस जगह का आपने नाम ले रही हैं, वहां बिल्कुल ईश्वरी प्रकोप ही कह सकते हैं और ईश्वर की माया ही कह सकते हैं, जिसे हम लोग फेसबुक में अन्य शहरों में खोजते थे, अन्य देशों में खोजते थे, उन्हें हम अपने अंबिकापुर में जो है देख सकते हैं। अंबिकापुर का तो आपने जिक्र किया, बिल्कुल मेन पार्ट जो है जिसको सेकंड कश्मीर बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल उसे सेकंड कश्मीर माना जाता है। ठंडे के समय में वहां बर्फ जमने लगती है। तो इस तरह से बता दूं कि वो हमेशा से जो है लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा हमेशा से देखने की जगह बनी रहती है, क्योंकि वाकई में बहुत कौतूहल का विषय होता है कि जहाँ पानी उल्टे धारा में चल रही है, ऊंचाई से हम सोचते हैं कि पानी नीचे गिरेगी, वहां ऊपर पानी चढ़ता है, तो ये वाकई में एक प्रकृति का बहुत ही करिश्मा है। और बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ के कण कण में किसी न किसी रहस्य को समेटे हुई है। अभी आपने जिस तरह से जो है राम पथ गमन का जो है आपने जिक्र किया, वाकई में यहाँ पे साक्ष्य उसके प्रमाण मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरबा जिले से जो है श्री रामचंद्र का छत्तीसगढ़ में आगमन और शुरुआत करने का बताया जाता है कि वहां से जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री रामचंद्र ने जो है अपना पथ गमन का जो है कार्यक्रम चालू किया था। मैं आपको बता दूं कि कोरबा से होते हुए जिस तरह से आपने बताया था कि अभी आपने कांकेर का जिक्र किया था, उसमें बारसूर का भी क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में भगवान आए थे, जो आपने वाटरफॉल का नाम लिया था, चित्रकूट का नाम लिया था, वहां भी जो है भगवान राम आए थे। और इस तरह से इस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से भी होते हुए भगवान श्री राम गुजरे थे, और यहाँ से होते हुए सुकमा, और सुकमा का एक क्षेत्र भेजी है जो अंतिम क्षेत्र हमारे जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र ने जो है अपने चरण रखे थे। और ठीक मैं उस तरह से बता दूं कि जिस तरह से यहाँ बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी जो है, जिनको पूरे बस्तर के लोग पूजते हैं, और बस्तर के अलावा मैंने यहाँ पे बहुत भीड़ देखी है, रायपुर जिले से कहें, दुर्ग जिले से कहें, यानी राजधानी से भी लोग यहाँ आते हैं। और मैं आपको मेरे पीछे का दृश्य दिखाऊं, यही वो जगह है जहाँ पे माई दंतेश्वरी की जो चरण है वहाँ पड़ी थी, और यहाँ पे उनके निशान है। तो जो भी भक्त आते हैं और जिनको माई का आशीर्वाद देना होता है, तो वो आकर के यहाँ पे दर्शन करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, और छत्तीसगढ़ प्रदेश का क्या, अगर पूरे भारत भूमि की अगर बात करेंगे, तो कहीं भी किसी प्रकार से अछूता नहीं होगा। यहाँ के कण कण में जो है ईश्वर का वास है, और यहाँ का कण कण का जो क्षेत्र है वो देखने वाला है, और इसी देखने में जो है हम
बहुत सारी झांकियों को दिखाते हैं। जी बिल्कुल अर्जुन, अगर देखा जाए तो प्रकृति का सौंदर्य अगर देखना हो तो वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उससे रूबरू भी करवाया। और देखा जाए तो गंगरेल पान थमतरी, चित्रकूट का जलप्रपात, जतमई घटा रानी का नेचुरल वाटरफॉल, तीरथगढ़ जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात और पिलखा पहाड़ और देवधारा, ये तमाम स्थल है जो कि छत्तीसगढ़ को बेहद सुंदर बना देते हैं इस बारिश के मौसम में। अगर देखा जाए तो जलप्रपात किसी को भी आकर्षित करता है अपने ऊपर। और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में तमाम जलप्रपात और भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश विदेश से भी छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में लोग आते हैं और साथ ही प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका लुफ्त भी उठाते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रकृति की जो अनुपम रूप होता है वो छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर नजर आता है। तो पुरातात्विक स्थलों की बात कर ली जाए या पर्यटन स्थलों की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ अपने साथ अपने अंदर बहुत कुछ सजोए हुए है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर हमारी संस्कृति की बात करें तो संस्कृति की भी झलक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। और ऐसे तमाम जलप्रपात है जिसको देखने के लिए दूर दूर से दर्शक यहाँ पर आते हैं, पर्यटक यहाँ पर आते हैं और साथ ही प्रकृति के सुंदर नजारों का लुफ्त भी उठाते दिखाई देते हैं। तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में रायपुर से श्रीकांत यदु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रीकांत, अगर बात की जाए बारिश के मौसम में तो छत्तीसगढ़ में कैसा खुशनुमा मौसम देखने को मिल रहा है और साथ ही तमाम जलप्रपात की बात करें, नदी तालाब की बात करें तो कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बरसात के मौसम में छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो खुशनुमा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर्यटन स्थलों की भरमार है। काफी सारे यहाँ पर्यटन स्थल है जो बरसात के दिनों में काफी अहम हो जाते हैं, लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। और छत्तीसगढ़ काफी मनोरम है क्योंकि जंगल, झाड़ी, नदी नाले, झरने सब यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो अपना एक अलग कहा जा सकता है कि एक अलग पहचान है वो यहाँ की प्रकृति को लेकर भी है। खास तौर पे बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर की जो वादियां हैं वो लोगों को अपने तरफ लुभाती है और देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं बस्तर के, चाहे वो चित्रकूट जलप्रपात हो, तीरथगढ़ जलप्रपात हो या फिर और कई ऐसे जलप्रपात है बस्तर में, कई ऐसे नदी है जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि बस्तर का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक से हरा भरा है और काफी खुशनुमा वहाँ माहौल रहता है। इसके अलावा अगर बात करें और बाकी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तो सरगुजा अंबिकापुर की तरफ मेन पार्ट है जो छत्तीसगढ़ का शिमला जिसको कहा जाता है मेन पार्ट को, तो वहां पर भी लोग बरसात के दिनों में जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा रायपुर जिले से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर कई सारे ऐसे झरने हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। खासतौर पे 60-70 किलोमीटर अगर रायपुर से आगे जाते हैं तो वहाँ पे गरियाबंद जिले में जतमई घटा रानी जो वाटरफॉल है वो इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है क्योंकि वहां पर जो प्राकृतिक का जो वरदान कहा जा सकता है वो बेहद ही खुशनुमा है। वहां पर एक वरदान की तरह वहां पर मिला है और जतमई घटा रानी में बरसात के मौसम में खास तौर पर लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा वहां पर जो पहाड़े हैं वो काफी खुशनुमा माहौल बनाते हैं। और इस अभी की अगर बात करें, अभी जो बरसात का मौसम है, अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है तो सबसे ज्यादा लोग जो है जतमई घटा रानी वाटरफॉल जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी वो काफी अहम हो जाता है। वहां पर प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्था रहती है और सारी तैयारियां पहले से कर ली जाती है। तो जतमई घटा रानी जो है अभी विशेष जो लगाव है लोगों का वो वहां पर बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग जतमई घटा रानी वाटरफॉल जाते हैं क्योंकि ये रायपुर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। ऐसे में चूंकि राजधानी है छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर लोग पहले पहुंचते हैं, फिर यहाँ से उनको जाने में आसानी हो जाती है। तो जतमई घटा रानी का जो वाटरफॉल है वो इस वक्त लोगों के लिए एक अच्छा साबित हो रहा है। लोग वहां पहुंच रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, पिकनिक स्पॉट है वहां पर, आसपास जंगले हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ है, झरने हैं, तो इस तरह से वो अभी लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा साधन हो गया है, पास है और जल्दी लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा गरियाबंद में ही कई और सारे ऐसे हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं खासकर बरसात के दिनों में, तो वो चिंगरा पगार एक झरना है, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग अभी जा रहे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के
कई ऐसे हिस्से हैं जो जंगलों से पहाड़ों से घिरे हुए हैं, जहाँ प्रकृति का वरदान जहाँ पर मिला हुआ है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के कई जगह हैं जहाँ पर लोग मानसून के समय में जाना पसंद करते हैं। बरसात जी जैसी ही होती है तो लोग जाना पसंद करते हैं। धमतरी की अगर बात करें तो धमतरी में भी जो गंगरेल डैम है वो इस वक्त अभी हरा भरा है, क्योंकि वहां पर लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहां पर बोटिंग की भी सुविधा है, हालांकि जब ज्यादा बरसात होती है तब जी बोटिंग को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ भी अब प्राकृतिक रूप से काफी मजबूत है। यहाँ पर लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो इस तरह से अब छत्तीसगढ़ मानसून के समय में घूमने के लिए जो छत्तीसगढ़ है वो काफी अहम है। जी जी श्रीकांत, अगर जैसा कि देखा जाए तो सीधे साफ तौर पर जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ की तारीफ की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को देखकर सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रकृति का वरदान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। अगर हम श्रीराम की बात कर ली जाए तो कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष श्रीराम ने छत्तीसगढ़ में बिताए थे। ऐसे में इसी के चलते योजनाएं भी बनाई गई है। राम वनगमन पथ योजना के बारे में थोड़े विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है भगवान राम का ननिहाल है, ऐसे में जी सबसे अहम हो जाता है छत्तीसगढ़। क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर काफी वर्षों तक रहे, उनका ननिहाल है। विश्व में एकमात्र मंदिर कौशल्या माता का मंदिर, वो भी छत्तीसगढ़ के ही चंदखुरी में स्थित है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार जो है भगवान राम के जहां जहां से गुजरे हैं भगवान राम, वहां को व्यवस्थित करने में और उसको पर्यटन स्थल बनाने में लगी हुई है। जी और इसी के लिए जो है राम वन गमन परिपथ की योजना लाई गई है, उस पे काम चल रहा है। जो प्रमुख जो स्थान है भगवान राम जहाँ से होकर गुजरे हैं, जो जो भी प्रमुख स्थान है उनको डेवलप करने का काम जो है छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, ताकि लोगों को जो है भगवान राम की जो संस्कृति है, जो भगवान राम ने बताया है, भगवान राम जहां जहां से गए हैं, तो लोगों को ये पता चल सके कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने कितने समय बिताए हैं, जी कहाँ कहाँ पर वो वहां रुके थे, किन जगहों पर रुके थे। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि भगवान राम के जहां जहां चरण पड़े थे उसको डेवलप किया जाए, लोगों के बीच लाया जाए, ताकि लोग जो है वहां तक आसानी से पहुंच जाए। सबसे जी पहले चंदखुरी में जहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है, विश्व में एकमात्र वो मंदिर है जहाँ पर माता कौशल्या, चूंकि वो उनका मायके है छत्तीसगढ़, तो वहां को एक तरह से काफी अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में बना दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाते हैं। इसके अलावा भगवान राम जहां जहां भी रुके थे, चाहे वो बस्तर हो, फिर और जो गुजरे हुए थे वहां से, पूरा जो रास्ता है जी उसको डेवलप करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और यही एक वजह है कि राम वन गमन पथ परियोजना जो है वो लाई गई और इस पर काम चल रहा है। और जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार और कई ऐसे कदम उठाएगी, भगवान राम से जुड़ी जो चीजें हैं, छत्तीसगढ़ में जो यादें हैं उनकी, जी उसको व्यवस्थित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है जल्द ही और कई बड़े कदम उठाएगी। जी जी बिल्कुल श्रीकांत, अगर देखा जाए तो राज्य सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है प्रकृति को सहेजने की, और इसी के चलते तमाम अलग अलग योजनाएं भी लाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर तमाम ऐसे स्थल है जहां नदी तालाबों की बात करें या जलप्रपात की बात करें। बारिश के मौसम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर किसी को ये दृश्य आकर्षित करता है, और इसी के चलते प्रदेश के साथ ही साथ देश विदेश से भी लोग छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए आते हैं। तो फिलहाल के लिए मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।